हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला का खास जाड़े के मौसम में बनने वाला पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन गोदिला। इसको आप दाल और सब्जी दोनों ही तरह से खाने में उपयोग कर सकते हैं। मिथिला में ये पारंपरिक तौर पर तीन प्रकार के दालों के हरे दाने से बनाया जाता है। पहला जो खास प्रसिद्ध है वो है खेसारी के हरे दानों से। खेसारी एक प्रकार का दाल है जिसका साग भी खाया जाता है और जब उसके दाने हरे रहते हैं तो उसको पीस करके गोदला बनाते हैं। दूसरा हरा मटर छिम्मी, इसे भी पीस करके गोदला बनाते हैं। और तीसरा है हरा चना। चना जब हरा रहता है तो उसके हरे दाने को पीस करके भी गोदला बनाते हैं। तो इस तरह से आपके पास इन तीनों दालों में से मटर, हरा चना या खेसारी जो भी उपलब्ध हो आप बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ हमें छिमी यानी हरा मटर उपलब्ध है तो हम आज हरे मटर का गोदला बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन-किन सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए छिमी यानी हरे मटर के दाने। इसे हमेशा ताजे हरे मटर के दाने से ही बनाना है, कभी भी सूखे हरे मटर को भिंगो करके पीसकर नहीं बनाना है। हम यहाँ आधा किलो छिमी लिए हैं। अब इसे हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालते हुए पीस लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर बीच में हमें पानी की जरूरत होगी तो और हम पानी डालकर इसे बिल्कुल पतला इसका पेस्ट बना लेंगे। छिमी को बिल्कुल बारीक हम पीस लिए हैं। और चाहिए इसके लिए हमें उबली हुई आलू, इसे छील करके छोटे टुकड़े कर लेने हैं। कटा हुआ टमाटर दो बड़े साइज की हम लिए हैं। और मसाले में हमें चाहिए धनिया पाउडर दो बड़ा चम्मच, दो टेबल स्पून, जीरा पाउडर दो बड़ा चम्मच, दो टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा खाना पसंद करें उसके अनुसार, होममेड गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच। ये गरम मसाला पाउडर कैसे बनाते हैं अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। नमक, हल्दी और फोरन के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, साबुत जीरा और हींग। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है तो आइए अब हम गोदला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन कर लेना है और तेज आंच पर ही हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। और अभी इसमें 3 से 4 चम्मच हम तेल गर्म करेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं और सरसों का तेल ही आप भी लें क्योंकि मिथिला का जो पारंपरिक सब्जी है वो सरसों के तेल में ही बनता है और तभी आपको इसका ऑथेंटिक टेस्ट भी मिलेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब यहाँ सबसे पहले हमें कटे हुए उबले आलू को हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। इसे चलाते हुए ही हम भूनेंगे। आलू हमारा भून चुका है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसी बचे हुए तेल में 3 से 4 बड़े चम्मच अब हम और इसमें सरसों का तेल मिला लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे
तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम पिसी हुई छीमी यानी पिसी हुई हरी मटर का पेस्ट मिला करके तेज आंच पर ही चलाते हुए 5 से 7 मिनट हम भूनेंगे। और अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी के मसाले, कटी हुई टमाटर, नमक, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिला करके चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। और इसे अभी हम तेज आंच पर ही करीब 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। 5 से 7 मिनट हमारा हो चुका है, तो अब हम यहाँ आंच कम कर लेंगे और ढक करके अब हम इसे पकाएंगे। और बीच बीच में हम ढक्कन हटा करके इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो हमारा मटर का पेस्ट है वो जले भी नहीं और अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन जाए, टमाटर भी गल जाए और छीमी का पेस्ट हल्का सा गुलाबी हो जाए भुन करके। तो करीब करीब 20 मिनट हमारा हो चुका है इसे भूनते हुए, और आप देख रहे हैं कि मसालों के साथ पूरी तरह से छीमी का पेस्ट भुन करके हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसमें यहाँ ग्रेवी डालेंगे। पानी उस हिसाब से लेना है कि अगर आपको चावल के साथ खाना है तो हल्का पतला, लेकिन अगर रोटी पूरी पराठों के साथ खाना है तो थोड़ा गाढ़ा हम बनाएंगे। तो पानी इस हिसाब से इसमें हम डालेंगे, और हम यहाँ डालेंगे गरम मसाला पाउडर और भुनी हुई आलू। सभी को अच्छे से हमें मिक्स करके ढककर इसे हम पकाएंगे 1 से 2 उबाल आने तक। और ध्यान रखना है कि उबल कर ये गिरे नहीं, तो बीच में हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। और 2 से 3 उबाल आ चुका है, तो हमारा गोदला बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर लेंगे, चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे हल्का सा रेस्ट होने के लिए रहने देंगे। और इसे अब हम छौंक लगाना है, इसके लिए बनाना है हमें एक छौंक। तो उसके लिए हम घी गर्म कर लिए हैं, और इसमें अब हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, साबुत जीरा और हींग। इसे अच्छे से हमें पकाना है, हल्का लाल होने देना है। फोरन हमारा पक चुका है, तो अब हम छौंक लगा लेंगे। और इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर ही हम रेस्ट होने देंगे, इसके बाद इसे हम परोसेंगे। तो गुदला हमारा बनकर तैयार है। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो आप भी जरूर इसे बनाएं, स्वादिष्ट और सेहतमंद गुदला बनाकर खाएं और जाने मिथिला के पारंपरिक स्वाद को। अगर आप इसे दोपहर के खाने में भात के साथ खाते हैं तो इस तरह से इसके साथ आप टमाटर की चटनी, मुरई का बौर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीज़ कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आप भी इसके साथ बना करके इसे खाएं और जाने मिथिला के स्वाद को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।